अस्सलाम वालेकुम, आई एम आरू खान। होप यू ऑल आर फाइन एंड अंडरस्टैंड माय लेक्चर्स इजीली। स्टार्ट फिजिक्स चैप्टर टू स्केलर एंड वेक्टर। ना वो हमारे पास थ्री टॉपिक्स हम कर चुके हैं, उसमें हमारे पास जो है ना वो एग्जांपल्स हम कर चुके हैं स्केलर एंड वेक्टर्स की। प्रोडक्ट जो है स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, उसका हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट कर चुके हैं। स्केलर एंड वेक्टर्स की डेफिनेशन वगैरह कर चुके हैं। सो अब हम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बुक का जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना एग्जाम्पल्स में। आप पेज नंबर 52 पे देखेंगे ना, 52 पे तो आपको नजर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। निकालिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए इज इक्वल टू, वो ए की हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, बी के पास दी हुई है और हमें एंगल निकालना है। सो पहले हमारे पास क्या है, हमने डेटा बनाया, डेटा हमने बनाया, हमने यहाँ रिक्वायर्ड लिख दिया। अब यहाँ आप लोगों ने क्या है, वैसे ही यहाँ आप लोगों ने जो है ना वो रिक्वायर्ड लिख दिया। और फिर यहाँ हमारे पास, अब हमारे पास है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारे पास ए डॉट बी जो है ना वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है और कॉस थीटा जो है वो ए डॉट बी और अब मॉड ए और बी के बराबर होता है। अब हमारे पास ये है तो हमारे पास क्या, कुछ भी नहीं दिया हुआ हमारे पास, ना ए डॉट बी है ना ए मॉड ए, मतलब मॉड ए और मॉड बी तो है लेकिन हमारे पास तो वो नहीं है ना। हम ए डॉट बी निकालेंगे, ये ए की वैल्यू लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। टू को हम पूरे इस वैल्यू से करेंगे, इसको पूरे वैल्यू से और इसको पूरे वैल्यू से करेंगे, मतलब टू को सिक्स से करेंगे तो ट्वेल्व आई आई हो जाएगा। टू को यहाँ करेंगे तो थ्री टू ज़ा सिक्स आई डॉट जे हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर फोर आई के हो जाएगा, सिक्स टू ज़ा यहाँ भी हमारे पास ट्वेल्व जे आई हो गया, थ्री टू ज़ा या सिक्स आई जे जे हो गया डॉट जे, हमारे पास टू टू ज़ा फोर हो गया, जे डॉट के हो गया और के सिक्स के आ गया हमारे पास, या थ्री के आ गया और यहाँ पे हमारे पास टू डॉट के आ गया। अब हमारे पास यहाँ होता है कि आई डॉट आई के ना वन आता है, आई डॉट आई, अब यहाँ तो पूरा जीरो हो जाएगा। जो डिसिमिलर होते हैं ना हमारे पास वेक्टर्स, उनका हमारे पास क्या आ जाता है, जो कैप में होता है हमारे पास उसमें आ जाता है जीरो। तो ये जीरो हो गई पूरी वैल्यूज़, इसमें वन आएगा हमारे पास, जो सेम होंगे इसमें वन आएगा और इसमें हमारे पास वन आएगा। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ट्वेल्व माइनस सिक्स माइनस टू, ट्वेल्व में से सिक्स जाएगा हमारे पास क्या आएगा, सिक्स ही आएगा और सिक्स फिर माइनस सिक्स ऐसे होगा ना, ट्वेल्व सिक्स 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 माइनस टू, अब यहाँ सिक्स माइनस टू हो गया, सिक्स माइनस टू इक्वल टू फोर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो है ना वो मॉड ए निकालना है और मॉड बी निकालना है। हमारे पास ये दी हुई है ए और बी की वैल्यू दी हुई, लेकिन मॉड ए और मॉड बी की हमारे पास एक नंबर में वैल्यू आनी चाहिए ना, तो हमारे पास मॉड ए और मॉड बी हम निकालेंगे। ये फॉर्मूला जो है, अब हमारे पास जो है ना वो एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है, ये हमारे पास जो है ना वो आई जो है वो एक्स होता है, जे जो है ना वो वाई होता है और के जो है ना वो जेड होता है। अब हमारे पास ये है पूरी वैल्यू हमने पुट करी, टू टू ज़ा फोर होगा, टू टू ज़ा फोर वन, वन ज़ा वन होगा, माइनस का वन भी वन ही होता है क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू है, माइनस वन प्लस वन हो जाता है, फिर हमारे पास ये नाइन है, नाइन का रूट थ्री होता है। अब हम जब बात करें बी की, तो फिर हमारे पास बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर है, यहाँ हमारे पास जो है ना वो वैल्यू दी हुई है सिक्स थ्री और टू, थ्री थ्री ज़ा नाइन हो जाएगा, माइनस थ्री नाइन, या टू टू ज़ा फोर थर्टी सिक्स, इसका हमारे पास फोर्टी नाइन आएगा, फोर्टी नाइन का रूट आएगा सेवन। यहाँ हमारे पास ए डॉट बी आ गया फोर, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन, फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन करेंगे आपके पास ये आएगा वैल्यू। अब मैं आपको एक कैलकुलेटर से सिखा देती हूँ, पास ये कैलकुलेटर है। अब हम यहाँ जो है ना वो ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आती है, देखें ये कॉस की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कॉस का माइनस चाहिए ना, माइनस वैल्यू। अगर मैं देखूँ कॉस की वैल्यू मैं निकालूँ 0.19 की ना, तो ये हमारे पास 0.19 ये देखें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 0.99 आ रही है, लेकिन हमें एंगल निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट आ गया, ये शिफ्ट आ गई देखें, बस यहाँ एस लिखा हुआ आ रहा है, ये शिफ्ट आ गया। अब हम क्या कॉस दबाएंगे, ये आ गई कॉस माइनस वन, सो ये होता है, फिर हम कॉस माइनस वन। अब हमारे पास 0.19 एंगल क्या आ रहा है 79, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 79। आपके बुक में भी ये जो है ना वो आंसर 79 लिखा हुआ है, देखें। सो कैन नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है और प्रोजेक्शन निकालनी है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी निकालना है, ऑन टू ए वेक्टर बी हमें निकालना है। हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ए बी जो है ना वो हमारे पास होता है ए डॉट बी, और यहाँ जो बी होता है, जो भी इस चीज़ में होता है वो हमारे पास बी आ जाता है। ये कैसे आया है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, है ना, ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा में हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन ए और मॉड ए और मॉड बी आ जाता है, ए से ए मॉड ए कट गया, अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए ए बी ए डॉट बी अपॉन बी मॉड ए, ये ऐसे फॉर्मूला आता है, मतलब ए बी जो है ना वो ए कॉस थीटा के बराबर है हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास कॉस थीटा ए डॉट बी और बी के बराबर, ए मतलब ए कॉस थीटा जो है ना वो ए और बी के बराबर है, ए से ए कटा हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ए ऑन टू बी का, ए डॉट बी और बी। मैं आपको फॉर्मूला में जब मैंने आपको कराया है ना, जब क्या आप लोग अगर मेरे देखेंगे टॉपिक वाइज तो आपको भी याद आएगा, और आपने आप उसकी वीडियोस को देखिएगा तो उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज अलग से करवाए। सॉल्यूशन है ए डॉट बी हमें निकालना है।
अब तो आप लोगों को रट चुका होगा, इसकी वैल्यू को हम पूरे से करेंगे, इसकी वैल्यू को पूरे से ब्रैकेट से करेंगे और इसकी वैल्यू को पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फोर आई आई हो जाएगा। अब हमारे पास फोर आई जे हो जाएगा, सेवन आई के हो जाएगा, टू फोर टू ज़ा एट जे आई हो जाएगा, फोर टू ज़ा एट जे जे हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ जो है ना वो यही है कि फोर यहाँ हमारे पास फोर जे के हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास के की वैल्यू से पूरा होना चाहिए, तो फोर आई के हो जाएगा, फोर आई के जे हो जाएगा और सेवन के हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी जो सेम होंगे, फोर के साथ वन आ जाएगा, एट के साथ वन और सेवन के साथ वन आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 19 आ जाएगा। अब हमारे पास मॉड बी भी आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में हमने कहा था ना कि हमारे पास मॉड बी नीचे आएगा, तो मॉड बी का बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर। अब आप लोगों को जब आप पूरे लेक्चर्स लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जेड की जगह हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग के लेते हैं। हमने पूरी वैल्यूज रखी, हमारे पास यहाँ माइनस की वैल्यू भी होगी, तो हम माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस फोर कितना होगा, फोर फोर सा 16 प्लस 16 आ जाएगा, वो फोर सा 16, सेवन सेवन सा 49, दोनों को सबको प्लस करेंगे हमारे पास 81 आएगा। जब हम ए रूट, हम मैं आपको एक दफ़ा और सिखा देती हूँ कि रूट कैसे लेते हैं, ये रूट और फिर यहाँ आप 81 लिखेंगे तो हमारे पास जो है ना वो यहाँ आ गया 9। वैसे आप लोगों को ये याद भी होगा कि 9 9 81 होता है, तो हमारे पास जो है ना वो 9 आ गया। वी नो दैट, अब हमारे पास पता है कि फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास ये होता है, हमारे पास अब फॉर्मूले की वैल्यू पुट करेंगे 99, और फिर जब आप इसको ना कैलकुलेटर से करेंगे टू पॉइंट वन वन, तो हमारे पास यहाँ 2.11 आ गए वैल्यू, और हमारे पास देखें हमारे पास 2.11 जो है ना वो हमारे पास इसमें भी है, 19/9 है ना, हमने आगे और सॉल्व कर दिया, मैंने हमारे पास बुक में से कौन से 19/9 तक हमारे पास एन था। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा हमें दिया हुआ है, इसको अल्फा बीटा एंड गैमा कहते हैं, विच द वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है, विच मेक द पॉजिटिव एक्स वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली, एंड है ना हमारे पास जो है ना वो ये हमें अल्फा बीटा एंड गैमा का निकालना है। हमारे पास डेटा है कि ए की वैल्यू हमें दी हुई है, अलॉन्ग ऑफ ए विद एक्स एक्सेस अल्फा निकालना है, वाई का बीटा एक्सेस निकालना है और जेड पे गैमा एक्सेस होता है। जब मैंने आपको डायग्राम करवाई थी ना, यूं करके ही डायग्राम थी, तो उसमें मैंने कहा था कि अल्फा बीटा एंड गैमा एक्स वाई और जेड था, तो हमारे पास क्या है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड आई हमें निकालना है, हमें अल्फा निकालना है ना, अल्फा बीटा एंड गैमा तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है कि कॉस अल्फा जो है ना वो ए डॉट आई अपॉन ए कैम मॉड में और आई भी मॉड में होना चाहिए, मतलब आई मॉड जो है ना वो वन के बराबर होता है। जब मैंने आपको स्केलर प्रॉपर्टीज करवाई है ना स्केलर की, तो मैंने इसमें सब कुछ आपको बताया है। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, आई डॉट ए डॉट आई, और फिर इसमें हमारे पास ए की वैल्यू में हम क्या रखेंगे, तो वन हो गया, ए की मॉड किसके बराबर होता है, मॉड ए का फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होता है ना होल रूट। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा वैल्यू, ए की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास ये है, ए की वैल्यू हमने लिखी, इसकी वैल्यू को हमने स्क्वायर लेना है रूट और फिर यहाँ आई लिख देना है। अब हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू को करेंगे 3 आई आई जो क्या है 6 आई जे, और फिर यहाँ 2 के आई और ये आ जाएगा, फिर 9 और 6 ये आ जाएगा। अब जब इसको आप करेंगे तो सेम के साथ 1 आएगा, बाकी तो माइनस 1 और प्लस, मतलब 0 हो जाएगा ना, माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन है और उसके साथ प्लस की साइन है। यहाँ 49 हो जाएगा, 3 अपॉन रूट 49 कितना होता है 7 के, 3 अपॉन 7 कितना होता है हमारे पास 0.48 होता है। अब शिफ्ट दबाएंगे हम, ये वैसे ही हम करेंगे कि शिफ्ट दबाएंगे और फिर हमारे पास कॉस दबाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, और फिर हम 0.48 लिखते हैं, 0.428 64.6, तो ये हमारे पास एंगल आ गया। अब अगर हम बात करें अब क्या कॉस बीटा का, तो वही है आई जे होता है, देखिए आप लोगों को याद होगा बीटा की जगह जे लिखे हैं और हमारे पास जो है ना वो अल्फा की जगह हम जेड लिखते हैं, अलॉन्ग जेड एक्सेस यहाँ हमारे पास कहा हुआ भी है वैसे भी, तो यहाँ हमारे पास यही वैल्यू होगी, ए की वैल्यू हम लिखेंगे जे आ जाएगा, ए की मॉड की वैल्यू लिखेंगे वैसे ही आ जाएगा, मॉड की वैल्यू तो वही रहेगी जैसे हमारे पास क्या आई थी वैल्यू 49 आया, इसकी वैल्यू को हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ होगा ये 0 6 3 वाला 0 हो जाएगा, लेकिन ये 6 की जगह आई आ जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, -6 + 7 -6/7 करेंगे, -0.58 आ जाएगा। अब यहाँ बीटा है, कॉस -1 आएगा और फिर माइनस को करेंगे, ये मैं आपको एक दफ़ा और करवा देती हूँ, ये देखें ये शिफ्ट दबाया, फिर यहाँ हमने जो है ना वो कॉस दबाया, यहाँ ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो है वही करेंगे, माइनस लगाना है क्योंकि माइनस है ना, माइनस फिर हमारे पास जो है ना वो 0.5 सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ शिफ्ट दबाया हमने, कॉस दबाया, फिर हमने माइनस 0.857 ये हमारे पास आ गया, हमारे पास आ रहा है 148.9, तो 148.9 हमारे पास इसका वैल्यू हो गई, इसका हमारे पास एंगल।
है ना वो कॉस गैमा का निकालना है। कॉस गैमा का वो वही फॉर्मूला होगा आई ए डॉट के, और फिर हमारे पास मॉड ए और मॉड के जो है ना वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसमें भी वैल्यू यही होगी, इसकी भी वैल्यू वही होगी 49 हमारे पास। और यहाँ ये होगा कि हमारे पास के की वैल्यू आ रही है ना, तो के की जगह मतलब 1 आ जाएगा, तो यहाँ 2/7 होगा 0.28। उसके वही करेंगे शिफ्ट दबाएंगे, कॉस दबाएंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे, आपके पास एंगल आ जाएगा। अबाउट क्वेश्चन नंबर 19, क्या पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 30,000 newton इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 45 meter व्हेन ए है हमारे पास द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड बी हमारे पास है द फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 40 degree टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड फाइंड द रेट एट विच द फोर्स इज मूविंग एट अ टाइम विद द वेलोसिटी ऑफ 2 meter per second। हम वहाँ पर डेटा बनाते हैं, तो डेटा में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है 30,000 newton। सही है हमारे पास। अब हमारे पास 45 यहाँ क्या दिया हुआ है, हमारे पास देखें पास क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, तो एस लिखें या डी लिखें वो डिस्टेंस हो जाएगा। टीटा हमारे पास एक जगह दिया हुआ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मैंने आपको कहा था जब डायरेक्शन ऑफ मोशन हो मतलब एक जगह दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो तो क्या है हमारे पास टीटा जीरो होता है, क्योंकि जीरो जो है ना वो कॉस टीटा 1 के बराबर होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल ना पैरेलल का जीरो हो जाएगा। बाकी एंटी पैरेलल में मैंने आपको बताया था 180 होता है। अब यहाँ हमारे पास एक और दिया हुआ है बीटा में हमारे पास कि जो है ना एंगल 40 है और वेलोसिटी जो है ना वो हमारे पास 2 meter per second है। अब इन्होंने हमारे पास कहा हुआ है कि रेट हमें निकालना है, मतलब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना वो यहाँ इन्होंने कहा हुआ है रेट एट विच द फोर्स इज वर्किंग एट अ टाइम, मतलब फोर्स हमारे पास अलग हो रही है, वो हो रहा है हमारे पास जो है ना वो डिस्टेंस अलग हो रहा है, हमें पावर निकालनी है। रेट अब मैंने आपको करवाया था कि रेट, अब देखें पी इज इक्वल टू एफ ई होता है ना, पी इज इक्वल टू एफ ई, एफ ई का मतलब है फोर्स और वेलोसिटी का रेट क्या होता है, पावर होता है। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है वेलोसिटी और फोर्स का, तो हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। एफ पी इज इक्वल टू एफ वी होता है, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि फोर्स और वेलोसिटी का रेट निकालना है, तो हमें पावर निकालनी है। सही है, अब हम क्या करेंगे, पावर निकालनी है और हमें वर्क डन निकालना है। पावर बी का भी पावर निकालनी है, वर्क डन निकालना है, क्योंकि एंगल डिफरेंट दिया हुआ है। अब फॉर ए हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी हम करेंगे, डब्ल्यू निकालना है पहले, वर्क डन निकाल लेंगे। डब्ल्यू जो है ना वो हमारे पास वर्क डन है, वर्क डन है। एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा, डॉट हटाएंगे तो एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। एफ 30,000 है, 45 है और कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब जीरो है। कॉस कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, एंड 45 को अब 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 से, तो हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। ये देखें हमारे पास 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 45 से, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है पी, अब ए का ही है, ए का हम निकाल रहे हैं पी इज इक्वल टू एफ वी। अब एफ डॉट, डॉट हमें हटाना होता है, डॉट हम मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था कि डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। कॉस थीटा आ गया, अब हमारे पास यहाँ है कि कॉस जीरो जो है ना, कॉस हमारे पास जीरो है, जीरो कॉस कितना होता है, 1 के बराबर ही होता है, और 2 हमारे पास आ गया क्योंकि वेलोसिटी जो है ना वो 2 हमें दी हुई है। यहाँ हमारे पास ये हमने लगाया, अब हमारे पास 60,000 watts आ गया, क्योंकि पावर वॉट में होती है, वर्क डन जूल में होता है ना, मतलब कितना आसान हो गया, अब हमें मुश्किल लग रहा था। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि वर्क डन हमें बीटा का भी निकालना है, एफ डी कॉस थीटा आ गया, यहाँ हमारे पास 40 लेंगे, कॉस 40 जो है ना वो 0.766 के बराबर होता है। मैट्रिक में आप लोगों ने वैल्यूज भी याद होंगे तो मे भी आपको याद होंगे। अब एफ डी और इसकी वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। वो वैसे ही है कि आप जो है ना वो हमारे पास क्या है, अच्छा वैसे ही आप कर सकते थे कि 45 को 30 से पहले भी किया हुआ था, उसी को बस आगे कॉस से कर देते, लेकिन ये हमारे पास हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 45 से, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस की वैल्यू को 0.766। ओहो कॉस 40, अच्छा चले कॉस 40 अगर हम वैल्यू सही से, मैं आपको कॉस 40 की निकाल देती हूँ, लेकिन ये हमारे पास ये देखें हमारे पास आंसर आ, देखें आप पहले कॉस की वैल्यू, कॉस हमें 40 निकालना है, 0.766 आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 से, हमारे पास आंसर आ गया। सही है, ये हमारे पास आंसर आ गया 1034। अब यहाँ 15.9.9 है, तो अब यहाँ आप करते हैं ना, मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में भी करवा चुके हूँ नोटेशन, तो वो उसका है। अब एफ है, एफ वी है, अब एफ वी कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा 40, अब 0.76 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास पावर आ जाएगा वॉट में। करके भी देख लेते हैं कि 0.766 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 30,000
सही है। लेट्स वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। ये जो है ना वो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, लेंथी है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए की वैल्यू हमें मॉड ए की वैल्यू दी हुई है 3 मॉड बी की दी हुई है 4, एंड हमारे पास जो है ना वो हमारे पास क्या दिया हुआ है वेक्टर की बी के -5 दी हुई है। अब एंगल हमें निकालना है ए एंड बी के, लेंथ हमें निकालनी है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, और एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हमें निकालना है। सही है। तो हमने क्या करना है, हम लोगों ने जो है ना वो देखें ए डॉट बी जो है ना वो यहाँ ही छुप गया, ए डॉट बी जो है ना वो -5 है। तो हमने डेटा बनाया ए मॉड ए 3 दिया हुआ, मॉड बी दिया हुआ, मॉड ए एंड बी दिया हुआ। अब रिक्वायर्ड में हमने वही लिखा कि एंगल दिया, एंगल निकालना है, लेंथ निकालना है और एंगल बिटवीन निकालना है। एंगल बिटवीन ए एंड बी हमारे पास क्या है कि कॉस थीटा जो है ना वो ए डॉट बी अपॉन ए बी के बराबर होता है। मैं इतनी दफ़ा करवा चुकी, आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ऐसे निकला है। अब यहाँ हमारे पास -5 आ गया, 3 4 से 12 हो जाए, -5 अपॉन 12 करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा जो है ना वो -0.416 आ जाएगा। अब कॉस का वही है, शिफ्ट दबाएंगे -1 आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज लिखेंगे, आपके पास थीटा आ गया। ये देखें हमारे पास ये शिफ्ट, ये हमारे पास कॉस आ गया। अब यहाँ हमारे पास माइनस लिखा 0., यहाँ हमारे पास 4 लिखा एंड यहाँ हमारे पास 1 लिखा एंड यहाँ 6 लिखा, हमारे पास वैल्यू आ गई 114.58 थीटा। अब यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि 8 जो है ना वो हमारे पास, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं 8 है 5 मतलब इवन है ना, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो +1 कर देते हैं या 6 भी कर सकते हैं, ऐसे आपकी मर्जी है। बाकी आप बिल्कुल कैलकुलेटर वाला भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ करते हैं तो वो ये होता है ना कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो उससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यही चीज़ें आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर वन में पढ़ चुके हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट नोटेशन, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। लेंथ ऑफ ए एंड बी और ए माइनस बी हमें निकालना है। ए प्लस बी का हमें, ए प्लस बी के लिए हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए डॉट बी। मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज करवाए तो उसमें फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, ए डॉट बी का हमारे पास -5 है, -10 हो जाएगा। सही है। प्लस फॉर्मूले का है 4 4 16, 3 3 9, यहाँ हमारे पास 25 -10 15, 15 का रूट जो है ना वो हमारे पास 3.87 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास है क्योंकि 4 4 16 होता है ना, तो 4 सा थोड़ा तो कम होगा, 3.87 है। अब हमारे पास ए माइनस बी के लिए निकालें तो इसके हमारे पास ये होगा कि मैंने जब आपको करवाया था तो मैंने आपको ये कहा था बस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास वही 25 रहेगा, +10 हो जाएगा, 35 35 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास 4.592 हो जाएगा रूट। ये देखें ये रूट और 30 हमारे पास आ गया 5.47, 5.92 लिखें 5.47 लिखें, कैलकुलेटर का भी थोड़ा फर्क होता है तो आपकी सही है। अब हम एंगल निकालें, अभी हमारे पास क्वेश्चन 3 है एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड ए माइनस बी का हमें एंगल निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। सही है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, अब हमारे पास ए स्क्वायर हुआ, अब आप जब आप खोलेंगे, अब आप मैथ्स वगैरह क्या, अब आप मेडिकल के ना हो मैथ्स के हो तो आपको फॉर्मूला खोलना आता होगा, अगर आप लोग है ना क्या है मैथ्स पढ़ रहा है, अपनी इंजीनियरिंग अपने लोग कर रहा है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा माइनस ए डॉट बी, फिर यहाँ हमारे पास बी स्क्वायर तो ये आ रहा है ना, और बी डॉट ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, ये दोनों प्लस माइनस है कट जाएंगे, 3 3 9 4 4 16 -7 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नाउ हमें एंगल निकालना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए क्या माइनस बी ए मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस बी। अब हमारे पास जो है ना वो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है ना वो -7 है, इसकी वैल्यू -7 है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ चुकी है, ये रही ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू, तो हमने वही पुट कर देना है। बाकी हमारे पास जो पुट आप करेंगे माइनस में आ जाएगा, टीटा कॉस माइनस वही लेके जाएंगे, माइनस की वैल्यू रखेंगे, आपके पास टीटा आ जाएगा। सो दैट्स इट। स्केलर प्रोडक्ट एंड नेट क्या डॉट प्रोडक्ट की यही हमारे पास न्यूमेरिकल से बुक में, एंड क्या है मैंने एग्जांपल भी करवा दी हैं आपको, एग्जांपल नंबर 2.8 2.9 एंड 2.10 मैं आपको करवा चुकी हूँ, 15 16 17 18 एंड 19 एंड 20 ये भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा चुकी हूँ। इफ एनी वन ऑफ हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क, इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। अल्लाह हाफिज़। आई एम सॉरी, मैंने अभी वापस चेक किया ना तो मेरे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 18 रह गया है, सो सॉरी। सो पहले हम ये कर लेते हैं, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ वेक्टर, हमारे पास वेक्टर हमें दिया हुआ है और हमारे पास जो है ना वो ये है आर, एंड अप्लाइड फोर्स, फोर्स हमें दी हुई है तो हमें वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन बोलना है, बहुत ईजी है। हमारे पास आर की वैल्यू हमें दी हुई है, एफ की वैल्यू, वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी होता है, एफ की वैल्यू को डी की आर की वैल्यू से हम कर देंगे, वही डिस्प्लेसमेंट आर हमें कुछ भी बस ऐसे ही ना कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है वही है। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा कि 3 2 6 आई हो जाएगा, आई आई हो जाएगा, फिर यहाँ हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू को इससे सबसे करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, इससे वैल्यू होगा 2 2 4 हो गया।
है। अब यहाँ 4i.j हो गया हमारे पास, 5 2 से 10 हो गया। अब हमारे पास क्या, हम इससे इसकी वैल्यूज को पूरे से करेंगे तो 3i j हो जाएगा हमारे पास, 2j j हो जाएगा, और k हमारे पास क्या होगा कि वो ही इसकी वैल्यू को हम इससे कर देंगे, 5j.k हो जाएगा। अब हमारे पास k है कि 3k i हो जाएगा, 2k i हो जाएगा हमारे पास, यहाँ इसको के जे हो जाएगा, 2kj, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, एंड 5k.k हो जाएगा। अब हमारे पास वही है कि जो सिमिलर होता है उसके साथ हम वन लगाते हैं, तो यहाँ वन आएगा, यहाँ वन आएगा, एंड यहाँ वन आएगा। हमने वन लिख लिया, वो बाकी सब तो जीरो हो गए क्योंकि वो डिसिमिलर है। अब हमारे पास 6 1 आ गया, -2 +5 हो गया, 6 में से हमारे पास जो है ना वो 2 जाएगा, तो कितना होगा, 6 में से 2 हमारे पास गया तो 4 होगा, और +4 +5 जो है ना वो 9 होते हैं, तो 9 यूनिट्स आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि जे के ये जो जा रहे हैं हमारे पास जो है ना वो, अगर जे के कुछ भी है हमारे पास यूनिट नहीं दिया हुआ, जूल होता है जबकि ना, तो यहाँ हम यूनिट्स लिख देते हैं क्योंकि यूनिट्स का दिया हुआ नहीं है, लेकिन जूल तो हमें पता है ना, तो हम यूनिट लिख देते हैं ऐसे दिखाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह डन, अल्लाह हाफिज़।